Hey guys, welcome back again to our town, Crazy for Bollywood. मैं शुभांगी आज का काउंटडाउन लेकर फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खबरें। नंबर वन, BCCI के हेड ऑफिस में IPL मालिकों की बड़ी बैठक हुई है। इस दौरान मेगा ऑक्शन को लेकर फ्रेंचाइजी मालिक आपस में भिड़ गए। कई टीम मेगा ऑक्शन के खिलाफ थी, जिनमें कोलकाता नाइट राइडर्स के मालिक और बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान भी शामिल थे। खबरों की माने तो एक वक्त ऐसा भी आया जब शाहरुख खान की पंजाब किंग्स के को ऑनर नेस वाडिया के साथ तीखी बहस हो गई। कहा जा रहा है कि शाहरुख खान रिटेंशन के पक्ष में थे, जबकि नेस वाडिया बहुत ज्यादा रिटेंशन के खिलाफ थे। नंबर टू, लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान को खत्म करने के लिए 6 लोगों को करीब 20 लाख रुपए की सुपारी दी थी। जी हां, सलमान के असैसिनेशन के लिए 20 लाख का सौदा किया गया था। मुंबई क्राइम ब्रांच ने जो चार्ज शीट तैयार की है, उसके मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई के गैंग ने 6 लोगों को सलमान खान की जान लेने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट दिया था, जिसकी कीमत 20 लाख रुपए बताई जा रही है। नंबर थ्री, भूल भुलैया 3 का इंतजार दर्शक बेसब्री से कर रहे हैं। फिल्म की शूटिंग लगभग पूरी हो चुकी है, जल्दी ही ये फिल्म सिनेमाघर में दस्तक देगी। दिवाली तक फिल्म रिलीज करने का मेकर्स का प्लान है। 15 अगस्त को फिल्म का टीजर रिलीज हो सकता है। 2 अगस्त को फिल्म की शूटिंग कंप्लीट हो जाएगी। खबर में ये भी कहा गया है कि फिल्म का टीजर मिड अगस्त में रिलीज किया जाएगा। टीजर के साथ ही फिल्म की रिलीजिंग डेट से भी पर्दा उठ सकता है। खबर ये भी है कि फिल्म दिवाली तक रिलीज होगी। नंबर 4, कल की 28/98/80 23 अगस्त से अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम की जाएगी। प्राइम वीडियो ने कल की 28/98/80 के स्ट्रीमिंग राइट्स के लिए मेकर्स को तगड़ी रकम दी है। कंपनी चाहेगी कि अग्रीमेंट का वक्त पूरा होते ही वो तुरंत फिल्म को अपने प्लेटफॉर्म पर रिलीज करे, ताकि ज्यादा से ज्यादा व्यूअरशिप हासिल की जा सके। हालांकि ऑफिशियली तौर पर रिलीज को लेकर अभी तक कोई ऐलान तो नहीं किया गया है। रिपोर्ट्स की माने तो अमेज़न प्राइम वीडियो ने फिल्म के राइट्स के लिए कल्कि के मेकर्स को 200 करोड़ रुपए चुकाए हैं। प्राइम वीडियो ने इतनी मोटी रकम देकर फिल्म के तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ भाषाओं के राइट्स अपने नाम किए हैं। नंबर 5, शर्वरी वाघ जल्द ही फिल्म अल्फा में एजेंट बनकर एक्शन कदम दिखाती नजर आएंगी। इसी महीने शर्वरी की फिल्म अल्फा की अनाउंसमेंट हुई थी, जिसमें वो आलिया भट्ट के साथ स्क्रीन शेयर करेंगी। अब ऐसे में बताया जा रहा है कि शर्वरी फिल्म अल्फा में नजर आने वाली हैं। ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि एक्ट्रेस इसके लिए फिटनेस ट्रेनिंग भी ले रही हैं। इसी बीच समंदर किनारे से उन्होंने अपनी रनिंग करते हुए फोटोज भी शेयर की, इसमें वो फिटनेस गोल्स देते हुए भी नजर आई। नंबर 6, ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन के डिवोर्स की अफवाह लगातार चल रही है। दावा है कि दोनों के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इन सब खबरों के बीच ऐश्वर्या और आराध्या वेकेशन से लौट आई हैं। जी हां, ऐश्वर्या राय को मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया। वो अपनी बेटी संग वेकेशन से लौट आई। ऐश्वर्या राय बच्चन अनंत अंबानी की शादी अटेंड करने के बाद न्यूयॉर्क वेकेशन पर निकल गई थी। एक्ट्रेस अपनी बेटी को भी अपने साथ लेकर गई थी। यहां पर दोनों माँ बेटी ने जमकर मस्ती की। नंबर 7, रणबीर कपूर ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि उनकी जिंदगी पर रामायण और सनातन धर्म के असर को बताया गया है। रणबीर कपूर ने इंटरव्यू में कहा, जब मैं मुसीबत में होता हूँ मेरी माँ मुझसे लड़ती हैं, जहाँ वे रोने लगती हैं, या मैं चाहता हूँ कि मेरी फिल्म हिट हो जाए या मैं कुछ खरीदना चाहता हूँ, मैंने कभी ऊपर वाले से ये सब नहीं मांगा, इसलिए भगवान के साथ मेरा रिश्ता बहुत कृतज्ञता का है। नंबर 8, विक्की कौशल ने एक बार फिर से सोशल मीडिया को हिलाकर रख दिया है। हाल ही में विक्की कौशल इंडिया काउंटर वीक 2024 के फिनाले वीक का हिस्सा बनने पहुंचे थे। यहां पर विक्की कौशल ने फाल्गुनी शहने का आउटफिट पहनकर रैंप पर धमाल मचा दिया। रैंप पर विक्की कौशल की मुलाकात अचानक ही रश्मिका मंदाना से हो गई। फिर क्या था, विक्की कौशल ने रश्मिका मंदाना का हाथ थाम कर रैंप पर चलना शुरू कर दिया और अब विक्की कौशल और रश्मिका मंदाना के इस अंदाज ने फैंस का दिल ही जीत लिया है। नंबर 9, वरुण धवन की फिल्म से श्री लीला हुई बाहर। देखिए, खबरें थी कि वरुण धवन और डेविड धवन की फिल्म से श्री लीला ने किनारा कर लिया है। इस फिल्म को है जवानी तो इश्क होना है कहा जा रहा है। अब ई टाइम्स से बात करते हुए प्रोड्यूसर रमेश तौरानी ने बताया, हम उन्हें रोल के लिए सिर्फ कंसीडर कर रहे थे। जब उनसे पूछा गया कि क्या श्री लीला का रिप्लेसमेंट ढूंढ लिया गया है, तो उनका जवाब था नहीं। आपको बता दें, इस फिल्म से श्री लीला बॉलीवुड डेब्यू करने वाली थी। नंबर 10, धनुष की रायन ने रिलीज के 5 दिनों में डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पर 50 करोड़, वर्ल्ड वाइड 80 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। ये उनकी 50वीं फिल्म है।
ये एक क्राइम थ्रिलर फिल्म है, इसे धनुष ने ही लिखा और डायरेक्ट किया है। नंबर 11, कियारा अडवाणी के जन्मदिन के मौके पर मेकर्स ने गेम चेंजर से उनका नया पोस्टर रिलीज किया जो अब खूब वायरल हो रहा है। फिल्म में रामचरण और कियारा अडवाणी लीड रोल्स में हैं। प्रोड्यूसर दिलराजू ने हाल ही में अनाउंस किया था कि उनकी 50वीं फिल्म गेम चेंजर 2024 के क्रिसमस के आसपास रिलीज होगी। फिर खबर आई कि फिल्म 2024 में 20 दिसंबर को रिलीज की जा सकती है। हालांकि मेकर्स की तरफ से अभी इसे लेकर कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया गया है। नंबर 12, एनिमल जवान और पठान जैसी बड़ी फिल्मों को पीछे छोड़कर कल की 2898 AD ने सबसे ज्यादा कमाई करने वाली चौथी भारतीय फिल्म बन गई है। फिल्म ने दुनिया भर में 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कलेक्शन किया, नए रिकॉर्ड बनाए और पुराने बने रिकॉर्ड्स को चिपका डाला। इसी क्रम में ये फिल्म शाहरुख खान की जवान से भी आगे निकल चुकी है। जवान ने इंडिया में 640.42 करोड़ रुपए की कमाई दर्ज की थी, वहीं कल की देश भर में 640.50 करोड़ रुपए कमा चुकी है। नंबर 13, सुपर नेचुरल हॉरर फिल्म ए वेडिंग स्टोरी का मोशन पोस्टर रिलीज हो गया जो अब टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है। इस फिल्म को अभिनव पारेख डायरेक्ट कर रहे हैं। इस फिल्म को लेकर फैंस काफी एक्साइटेड हो गए हैं। नंबर 14, कृति सैनन ने वेकेशन से अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं। इन फोटो में कृति अपने ग्लैमरस लुक से फैंस को घायल कर रही हैं, दीवाना बना रही हैं। इन फोटोज में कृति के साथ बहन नुपुर सैनन भी नजर आ रही हैं। बता दें कि ये तस्वीरें अब खूब वायरल हो रही हैं। नंबर 15, वेब सीरीज फ्रीडम एट मिडनाइट का टीजर आने के बाद से छाया हुआ है। ये सीरीज लैरी कॉलिंस और डोमिनिक की लिखी इस नाम की किताब पर बेस्ड है। सीरीज को निखिल अडवाणी ने डायरेक्ट किया है। इसमें भारत पाकिस्तान के विभाजन के दौरान की अनकही कहानियों को दिखाया जाएगा। फ्रीडम एट मिडनाइट सोनी लिव पर स्ट्रीम होगी। मेकर्स ने भी इसकी रिलीज डेट अनाउंस नहीं की है। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।